बॉन्जूर मेज़ अमी, हाय फ्रेंड्स, हम आज की क्लास के अंदर कुछ आर्टिकल्स के बारे में और फ्रेंच के कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो फ्रेंच को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहां पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो ये है कि शायद फ्रेंच को देखने में हमको ऐसा लग सकता है कि फ्रेंच काफी कुछ इंग्लिश से मिलती है, क्योंकि फ्रेंच के अंदर हम एग्जैक्टली वही इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स ए टू जेड काम में लेते हैं। परफेक्ट कुछ ऐसा नहीं है। लैंग्वेज का जो अगर ओरिजिन हम देखें कि लैंग्वेज कैसे पैदा हुई, लैंग्वेज कैसे चली, तो उनमें हम काफी हद तक ये पाएंगे कि फ्रेंच इनफैक्ट बहुत से केसेस में हिंदी से, संस्कृत से, इन भाषाओं से ज्यादा मिलती है बजाय इंग्लिश के। इंग्लिश से भी डेफिनेटली कुछ इसमें सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात अगर हम कभी भी करेंगे तो उसमें हमको इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंच का सेंटेंस स्ट्रक्चर हर जगह तो नहीं पर काफी हद तक अराउंड 95% केसेस के अंदर इंग्लिश की तरह चलेगा। लेकिन फ्रेंच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिंदी से ज्यादा सिमिलर हैं बजाय इंग्लिश की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर फ्रेंच का जो एक है वो है कि जैसे आपने देखा होगा, मैं यहां पर हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच तीनों को कंपेयर करके चलूंगा। यहां पर आप देखेंगे जैसे हिंदी के अंदर हम राम के साथ में कहते हैं कि राम अच्छा है, जबकि सीता के साथ ये बोलते हैं सीता अच्छी है। यानी एडजेक्टिव्स अच्छा अच्छी को हम राम और सीता के जेंडर के अकॉर्डिंग अकॉर्डेंस कहा जाता है, वो अग्री करवाते हैं। इसी तरह से क्रियाओं की जब बात आती है तो सपोज हम बोले कि राम गिर गया और कविता गिर गई, तो राम के साथ हम गिर गया लगाते हैं क्योंकि वो एक लड़का है, जबकि कविता के साथ गिर गई लगाते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। ये सब डिफरेंसेस आपको इंग्लिश में देखने को नहीं मिलते। इंग्लिश में हम कहते हैं राम फेल डाउन एंड कविता फेल डाउन, राम इज गुड एंड कविता इज गुड। हम डेफिनेटली इंग्लिश को भी डिस्कस करते वक्त हम राम को मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं और सीता को, कविता को, एक्सेट्रा को फेमिनिन जेंडर मानते हैं, लेकिन उसका अग्रीमेंट वर्ब या एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, लिविंग बींग्स के साथ जेंडर को मानना, इंग्लिश के अंदर भी हम मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर्स की बात करते हैं, ऐसे हिंदी के अंदर भी हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की बात करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो निर्जीव चीजें हैं, जैसे हिंदी की अगर मैं अगेन बात करूं तो हिंदी के अंदर हम इवन निर्जीव चीजों को भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग मान के चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे राम के साथ हम बोलते हैं राम गिर गया और सीता गिर गई, वैसे पेन के साथ आप क्या बोलते हैं, पेन एग्जैक्टली गिर गया और पेंसिल, देखिए आपके मुंह से अपने आप निकला गिर गई। तो जैसे पेंसिल तो लड़का नहीं है, पेन पेंसिल लड़का लड़की नहीं है, उसके बावजूद भी हम ऐसा बोल रहे हैं कि पेन गिर गया और पेंसिल गिर गई, यानी कि हम कहीं ना कहीं पेन को लड़का मान के चल रहे हैं और पेंसिल को लड़की। ये लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी है, इन्हें जेंडर बेस्ड कहा जाता है क्योंकि यहां पर निर्जीव चीजों को भी हमेशा जेंडर्स दिए जाते हैं। सोच के देखिए कि कोई आदमी जिसको अगर आधी अधूरी हिंदी आती हो, या इनफैक्ट अपने इंडियन डायलेक्ट्स के अंदर भी आप अगर किसी बंगाली आदमी से बात करेंगे तो शायद उसकी हिंदी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी कि चाय ठंडा हो गया, खाना बन गई। कहीं ना कहीं यहां पर जेंडर्स का डिफरेंशिएशन है जो लैंग्वेज को बहुत फनी बना देता है और हमको उसकी भाषा सुनकर के हंसी आती है, चाहे उसकी सारी बात समझ में आ रही हो तो भी। ठीक ऐसा ही कुछ फ्रेंच में, अगर जेंडर्स का इस्तेमाल हम ढंग से ना करें, क्योंकि फ्रेंच भी एक जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है बिल्कुल हिंदी की तरह से, अगर हम जेंडर्स का इस्तेमाल ढंग से नहीं करेंगे तो हम कुछ फनी फ्रेंच बोलेंगे जो एक फ्रेंच आदमी को समझ तो आएगी पर फिर भी उसे हंसी आएगी। इसलिए फ्रेंच में सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि इसमें नॉट ओनली लिविंग बींग्स की बात करें बल्कि नॉन लिविंग बींग्स के साथ भी, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम हमेशा मैस्कुलिन या फेमिनिन याद करके चलेंगे। और जितने भी वर्ड्स हैं इनका जेंडर का एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं है। हमने हिंदी में पेन को लड़का क्यों माना और पेंसिल को लड़की क्यों माना, इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई फिक्स कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। ऐसे कुछ फ्रेंच में भी होगा। फ्रेंच में हमारे पास फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने किस चीज को क्यों लड़का माना और क्यों लड़की माना, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति पहले से ही हो चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है। हम सिर्फ उनके जेंडर साथ में याद करके चलेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच में जब आप वोकैबुलरी याद करेंगे तो न सिर्फ उसकी स्पेलिंग, न सिर्फ उसका प्रोनंसिएशन, न सिर्फ उसका मीन, बल्कि एक चौथी चीज आपको ठीक उसके साथ में याद करनी पड़ेगी जो होंगी उस नाउन्स के जेंडर्स। जब तक जेंडर्स हम याद नहीं करेंगे तब तक हम हर जगह पर फ्रेंच में सारे कॉन्सेप्ट में, चाहे वो वर्ब के कॉन्जुगेशन हो, चाहे वो एडजेक्टिव्स का यूजेज हो, चाहे वो कलर्स को हम अटैच करें, चाहे काउंटिंग या नंबरिंग का मिले, हम हर जगह मिस्टेक करते जाएंगे। जेंडर्स को समझने के लिए फ्रेंच में सबसे पहली चीज हम आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश में जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, फ्रेंच में उनको लेज आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिनको इंग्लिश में अ या एन, अ और एन कहते हैं, फ्रेंच में इनको लेज आर्टिकल ऑनडेफिनी कहा जाता है, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स। एक चीज और करिएगा, इंग्लिश में
जो हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स अ और एन काम में लेते हैं वो दोनों सिर्फ सिंगुलर के साथ रहते हैं, प्लूरल्स के साथ में काम नहीं आते, जबकि फ्रेंच के अंदर हमारे पास प्लूरल के लिए भी इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों आर्टिकल्स हैं। इंग्लिश में दो वर्ड्स अ और एन फ्रेंच में नीचे लिखे इस तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल फ्रेंच का है un, प्रोनाउंस करेंगे un, जो मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के साथ लगेगा। इंग्लिश में इसका मतलब अ या एन से इक्वेट किया जा सकता है, जबकि अगर वही चीज फेमिनिन होगी और सिंगुलर होगी तो अगर उस केस में हमको अ या एन लगाना है तो हमें उसे अ की जगह उसके साथ में यून लगाना पड़ेगा। मैं नीचे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ अ और एन के लिए अ, फेमिनिन सिंगुलर के साथ अ और एन के लिए यून। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि इंग्लिश में अ और एन दो ही इनडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे पास हैं और दोनों के दोनों सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ काम आते हैं, पर फ्रेंच के अंदर हमारे पास प्लूरल्स के लिए भी इनडेफिनिट आर्टिकल है जिसको हम अ यून दोनों का कन्वर्जेंस दे में देखेंगे। दे का कोई एग्जैक्ट मीनिंग हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है क्योंकि इंग्लिश में इनडेफिनिट आर्टिकल्स के तौर पर हमारे पास सिर्फ सिंगुलर के लिए है अ और एन, बट इसको समझने के लिए और माइंड में रजिस्टर करने के लिए हम इसको सम मान के चलते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि ये सम हर जगह इंटरचेंजेबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जहां भी दे आएगा वहां हम उठा के सम के लिए दे दे के लिए सम लगाए, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा बारीकी में जाना पड़ेगा। फिलहाल इतना कह सकते हैं कि जिस भी चीज के साथ इनडेफिनिट होने पर हम अ और यून का इस्तेमाल करते हैं उसी चीज के इनडेफिनिट होने के बाद अगर प्लूरल भी साथ में हो रही है वो चीज तो अ यून को हम हमेशा दे से रिप्लेस करना नहीं भूलेंगे। आर्टिकल्स का यूजेज फ्रेंच में बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। मैं नीचे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। जैसे स्टीलो, पेन को फ्रेंच में स्टीलो कहा जाता है और ये मैस्कुलिन है। ऐसे टेबल को आप देखेंगे सेम स्पेलिंग है, इसे ताबल कहा जाता है और ये फेमिनिन है। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम इनके दोनों के साथ में नीचे लगेंगे एस लगाएंगे, लेकिन इस लास्ट के एस को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा हमने किया था कि लास्ट का कॉन्सोनेंट फ्रेंच में अक्सर साइलेंट रहता है, इसलिए कहेंगे हम इनको भी स्टीलो ताबल, स्टीलो ताबल। अब गौर से देखिए क्योंकि स्टीलो एक मैस्कुलिन नाउन है तो मुझे अगर अ पेन बोलना है तो उसके लिए मैं ऊपर वाला मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन एडजेक्टिव जो आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल उससे मैं काम में लूंगा, यानी मैं अ पेन के लिए बोलूंगा अ स्टीलो। सिमिलरली अ टेबल के लिए मैं फेमिनिन वाला इंडेफिनिट आर्टिकल यून काम में लूंगा क्योंकि ताबल टेबल फेमिनिन है, इसलिए अ टेबल को हम बोलेंगे यून ताबल, अ स्टीलो यून ताबल। इसी तरह से जब इनका प्लूरल कर दिया जाए जैसे कि सम पेंस मुझे बोलना है तो अ यून का प्लूरल दोनों का दे था तो सम पेंस के लिए दे स्टीलो, सम टेबल्स के लिए दे ताबल। इन जेंडर्स का ध्यान रख के चलेंगे। दूसरे जो आर्टिकल्स हैं वो है डेफिनेट आर्टिकल्स। इंग्लिश में एक ही डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ काम में लेते हैं। इंग्लिश में मैं द पेन भी बोल सकता हूं और द पेन्स आने पर भी द लगाया जा सकता है। इंग्लिश में हमारे पास एक ही डेफिनेट आर्टिकल है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए काम आता है, पर क्योंकि फ्रेंच एक जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है इसलिए आप यहां देखेंगे हम चार वर्ड्स का इस्तेमाल द के लिए यानी डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर करेंगे। और क्योंकि इंग्लिश में एक ही है इसलिए इन चारों का मीनिंग एक ही होगा द। पहला डेफिनेट आर्टिकल है ल, ल इसको ल ना बोले, ई की साउंड को थोड़ा सा सप्रेस करके बोला जाएगा ल। ल का मतलब भी द है पर ये उन वर्ड्स के साथ लगाया जाएगा जो मैस्कुलिन सिंगुलर होंगे। फेमिनिन सिंगुलर होने पर द के लिए हम ला लगाएंगे और वर्ड चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, लेकिन अगर वो प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ द के लिए हम एलियस ले लगाएंगे। इसके अलावा यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज है फ्रेंच में, वो ये है कि जब भी कोई वर्ड वाउल से यानी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा हो, और आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि साइलेंट जब एच होता है, एच को जिन भी केसेस में साइलेंट रखा जाता है तो उनको भी हम वाउल से स्टार्टिंग की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो इसमें ए ई आई ओ यू सारे वाउल्स और जिस भी केस में एच अगर साइलेंट है इन वर्ड के साथ मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन बट सिंगुलर अगर है
तो उनके साथ मुझे अगर द लगाना है तो मुझे एल के साथ अपोस्ट्रोफ, आपको याद होगा ऑर्थोग्राफिक सिंबल्स के अंदर प्रोनंसिएशन के चैप्टर में हमने ऑर्थोग्राफिक सिंबल्स को डिस्कस किया था और लपोस्ट्रोफ डिस्कस किया था, जिसके अंदर ल और ला एलिजियो के रूल के अंदर दोनों के दोनों एल अपोस्ट्रोफ में कन्वर्ट हो गए थे। वही चीज यहां पर है, एल अपोस्ट्रोफ का भी मीनिंग एक्चुअली इंग्लिश का द ही आ रहा है और ये इन सब के केसेस में आएगा। यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेकर के आपको इस एल अपोस्ट्रोफ को समझाता हूं। जैसे फ्रेंच में बर्ड यानी चिड़िया को ओ आई एस ई ए यू बता सकते हैं प्रोनाउंस क्या करेंगे, ओ आई का कॉम्बिनेशन आपको याद होगा हमेशा वा की साउंड देता है, वा एस ज की साउंड देगा और ई ए यू मिलके ओ की साउंड देता है, तो ओ आई एस ई ए यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एग्जैक्टली वाजो, वाजो, वाजो का मतलब है बर्ड। अब अगर मैं इसको द बर्ड बोलना चाहता हूं तो क्योंकि बर्ड फ्रेंच में वाजो वर्ड मैस्कुलिन है तो कायदे से क्या आना चाहिए था, एग्जैक्टली एल ई ल आना चाहिए था, लेकिन वाजो क्योंकि वाल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप देखेंगे इस केस में हम इसको अगर द बर्ड बोलना चाहते हैं तो हम एल अपोस्ट्रोफ ल्वाजो। अब इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ल्वाजो। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, द बर्ड। तो ये बात थी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का अप्रोप्रिएट यूजेज फ्रेंच में काफी इंपॉर्टेंट है और आप वोकैबुलरी के टॉपिक पर जब आएंगे तो एक कन्वेंशन फ्रेंच में जेंडर्स को याद करने के लिए, क्योंकि अलग से हर नाउन का जेंडर याद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम एक कोशिश करेंगे कि वोकैब के अंदर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ये है कि नॉन लिविंग चीजें हो चाहे लिविंग बींग्स हो उनके जेंडर्स याद करने के लिए जब भी आप वोकैबुलरी लिखेंगे तो हमेशा उसके साथ में आर्टिकल को लिख करके ही चलेंगे। जैसा हम किसी भी वर्ड के साथ वोकैब में अगर ल लगाएंगे इसका मतलब वो वर्ड मैस्कुलिन होगा, यानी पेन का वर्ड आपको वोकैब में खाली स्टीलो नहीं मिलेगा, वहां पर बाय डिफॉल्ट हम उसको ल स्टीलो लिख करके चलेंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि जहां पर ल लग रहा है वो मैस्कुलिन है। वैसे ही टेबल का वर्ड मैं आपको सिर्फ ताबल ना लिखवा करके वोकैब में हमेशा ला ताबल लिखवाऊंगा, जिन वर्ड के साथ ल आ रहा है वो मैस्कुलिन, जिनके साथ ला आ रहा है वो फेमिनिन। आप यहां कंफ्यूज ना करें उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक, जैसे आपने हिंदी के दो नेम्स देखे होंगे, विमल हमेशा लड़के का नाम होता है और विमला हमेशा लड़की का नाम होता है, तो विमल इज मैस्कुलिन एंड विमला इज फेमिनिन। इसी तरह से जो वर्ड्स एल अपोस्ट्रोफ के साथ वोकैब में लिखे हुए आएंगे क्योंकि वो वाल से या साइलेंट इट से स्टार्ट हो रहे होंगे उनके आगे में ब्रैकेट में आपको एम फॉर मैस्कुलिन एफ फॉर फेमिनिन लिखाऊंगा। और कुछ केसेस में हम पाएंगे कि कुछ नाउन्स को हमेशा प्लूरल में काम लिया जाता है, जैसे इंग्लिश में भी कैची को हम सिजर्स अक्सर प्लूरल में काम लेते हैं, इसलिए ऐसे वर्ड्स के साथ जब एलएस लिखा होगा तो एलई और एलए दोनों कन्वर्ट होकर प्लूरल में एलएस हो जाते हैं तो उनके आगे भी ब्रैकेट में हम एम या एफ जरूर लिख के चलेंगे। तो प्लीज वोकैब के टाइम आप याद रखिएगा कि जब भी आप वोकैब को याद करते हैं न सिर्फ उसका मीनिंग, न सिर्फ उसकी स्पेलिंग, न सिर्फ उसका प्रोनंसिएशन, बल्कि फोर्थ चीज उसका जेंडर ल और ला के साथ अकॉर्डिंगली अच्छी तरह से याद करके चलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, दिस इज प्रियांशु शर्मा फ्रॉम दांते इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस साइनिंग ऑफ। डोंट फॉरगेट टू विजिट mydifl.com। हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपका थॉट प्रोसेस हिंदी के अंदर है, इसलिए जितना भी लैंग्वेज को आप हिंदी के थ्रू सीखेंगे उतना ही जल्दी आप स्पॉन्टेनिटी ऑफ फ्लुएंसी ला पाएंगे और लाइफ में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर आप उसे ठान लें। लैंग्वेज वो चीज है जब आप छोटे से बच्चे थे स्कूल जाने से पहले ही आप हिंदी बोलना सीख चुके थे, इसलिए लैंग्वेज डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है अगर ढंग से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच।